तो हमें उम्मीद थी और हमें ऐसा लगा शक्ति जी शुरुआत से कि ये मैच मुंबई सिटी एफसी के ही हाथ जाएगा, पर खुश कर दिया हमें चेन्नई एनएफसी के भी खेलने। हालांकि लफोंडो को यहां पर बढ़त दिला देनी चाहिए थी कि वाकई मैच शुरुआत से ही एक तरफ ही नहीं रहा, दोनों ही टीम ने बताया कि आज का मैच ओपन है, कोई भी जीत सकता है। और ये वो पहला गोल चेन्नई के पास जो चांगते ने मेहनत करके एक अच्छा सा टैप इन मौका दे दिया अपने टीममेट को दागने के लिए। यहाँ पे सिल्वेस्त्रे फिर आया ये मौका, पातुलो का पर ब्लॉक आया अमे रानवड़े का, उससे पहले सेव। मैच के आखिरी फर्स्ट हाफ के आखिरी क्षणों में, मैं कहूंगा आखिरी मौके पे हर्नान सैंटाना ने ये गोल दाग के 1-1 की बराबरी कर दी थी। और फिर विकू ने मारा था ये क्रॉस, मजबूर किया विशाल कैद को, पर मुंबई सिटी एफसी जो जाने जाती है अपने पोजेशन प्ले के लिए, आज सेट पीस के तहत इतने खतरनाक एडम लफोंड्र बॉक्स इन द बॉक्स। मौके चेन्नई को भी मिले, गोल दाग सकते थे। यहाँ पे मैं कहूंगा एक लकी एस्केप, हैंडबॉल जो नजर नहीं आया और उसके चलते चेन्नई यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी जीती 2-1 से। अब बस इंतजार अजीत कुमार मीते की सीटी का। बजी सीटी मुंबई सिटी एफसी के लिए और उनके जीत का कारवा आगे बढ़ता हुआ। ये मुंबई की लोकल बस जीत के स्टेशन पे ही रुकती जा रही है। ये इतिहास रचा आइलैंडर्स ने अपने लिए, पहली बार 4 बार लगातार उन्होंने सफलता अपने हाथ की है। एक अनोखा रिकॉर्ड सर्जियो लोबेरा और उनकी टीम के लिए।